नमस्कार दोस्तों, सबका स्वागत है एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में। तो अभी बज रहे सुबह के 10 और आज हम लोग जाने वाले हैं अपने घर, क्योंकि 6 दिन बाद नीट का एग्जाम है। तो आज हम लोग घर जा रहे हैं। तो हमारी शाम की ट्रेन है, 9 बजे की है, तो हम अराउंड 7:30 बजे तक निकलेंगे और अभी पैकिंग वगैरह करेंगे, देन निकलेंगे शाम को 7:30 बजे। दोस्तों अभी टाइम हो गया है 7:15 और हम भी अभी रेडी हो गए हैं और हमारा सामान भी पूरा एकदम पैक हो गया है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। तो चलिए फिर चलते हैं। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं कोटा जंक्शन। तो अभी चलते हैं सीधा प्लेटफॉर्म के अंदर, देखते हैं हमारी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है। दोस्तों भी हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, तो हमारी ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो चलिए फिर चलते हैं। दोस्तों भी हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, तो काफी ज्यादा लास्ट में लगा है वो। दोस्तों हमारा ट्रेन लगा है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। चलिए फिर जल्दी से पहुंचते हैं। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं सतना में। तो अभी बज रहे सुबह के 10, तो हमारी ट्रेन यहाँ पे 8:30 पे पहुंचने वाली थी, बट काफ़ी ज़्यादा लेट चल रही है, अराउंड 1.5 घंटे। तो अभी हम प्रयागराज अराउंड 2 बजे तक पहुंचेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच लेट है। और ट्रेन का नाम तो है स्पेशल ट्रेन, बट स्पेशल तो कुछ हो नहीं रहा है, वैसे ही ट्रेन लेट है और खाना भी कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है। फाइनली हम प्रयागराज पहुंचने वाले हैं और टाइम हो रहा है 1:40, तो अराउंड 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। अभी 12 किलोमीटर बचा हुआ है। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं प्रयागराज जंक्शन। तो अभी चल रहे हैं स्टेशन से बाहर। दोस्तों अभी हमने ऑटो ले लिया प्रयागराज छुट्टी से और यहाँ से जा रहे हैं बस स्टैंड। चलिए फिर पहुंचते हैं। दोस्तों फाइनली हम बस लेके प्रयागराज से बासापुर आ गए। तो अभी यहाँ पे पापा आ रहे हैं थोड़ी देर में, तो यहाँ से चलेंगे सीधा घर। The next day.
दोस्तों ही बज रहे सुबह के 5:30। तो हम रात को अपने गांव आ गए थे, तो पहले हम सीधा जाने वाले थे बलिया, तो बट वहां पे मम्मी पापा थे नहीं, सब लोग घर आए हुए थे, तो हम प्रयागराज से सीधा गांव आ गए अपने। और अभी सुबह सुबह हम निकल रहे हैं बलिया के लिए सब लोग, तो चलिए फिर रेडी होते हैं और निकलते हैं। दोस्तों अभी हम बलिया आ चुके हैं, तो अभी हम 4-5 दिन यहीं पे रहेंगे, देन हमारा 5 तारीख को एग्ज़ाम है, तो हमारा जहाँ पे सेंटर गया है वहाँ पे हम जाएंगे। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।